नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सीजल आपके साथ। पटना के डाक बंगला चौराहे पर मां दुर्गा की आराधना करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने मां का आशीर्वाद लिया। वहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए पशुपति पारस ने कहा कि मां दुर्गा से मैं पूरे देश के लिए आशीर्वाद मांग रहा हूं। जातीय जनगणना पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नीतीश सरकार ने जो सर्वे कराया है वह पूरी तरह से गलत है। सचिवालय और घर में बैठकर सर्वे किया गया है, खास करके जिस जाति से मैं आता हूँ उसे कम करके दिखाया गया है। पासवान समाज का 10 वर्ष पहले जितनी आबादी थी उसे घर बैठकर कम कराकर दिखाने का काम किया गया है। पासवान समाज के लोग महागठबंधन को वोट नहीं देते हैं, इसलिए संख्या कम बताई गई है। बिहार सरकार से मांग है कि सर्वे ठीक से कराकर आंकड़ा सही दिखाया जाए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मेरे घर में और मेरे पंचायत में भी जनगणना करने के लिए कोई नहीं पहुंचा था। आगे सुनिए क्या कह रहे हैं पशुपति कुमार पारस। नहीं, मेरे घर पर जाने की बात छोड़िए, मेरे पंचायत में नहीं गया। मैं चैलेंज करता हूं, हमारे घर की बात तो छोड़ दीजिए, चाहे मेरा घर पटना हो, सहरबनी हो, मेरे घर की चर्चा छोड़िए। अब मेरे हमारे पंचायत की आबादी तकरीबन 10,000 वोट है। सर फोन से भी हो रहा था सर, फोन भी। अरे हमें देहात में टेलीफोन कहाँ से आएगा जी, इतना एडवांस तो नहीं हुए हो कि देहात में टेलीफोन से सर्वे हो जाएगा। नहीं इतना इतना एडवांस अभी अपना देश नहीं हुआ है। सीएम कह रहे हैं कि हमारा बच्चा ही सब कुछ है, क्या लग रहा है? मैंने कहा नहीं कि उसके अलावा मैं आज कोई पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा, फिर मैं 22 के बाद आऊँगा 27 को, पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा। देश में, पूरे बिहार में, पूरे परिवार के लिए माँ दुर्गे से मैंने आशीर्वाद मांगा है और आशीर्वाद मुझको मिला भी है। जहाँ तक राजनीतिक चर्चाएँ का सवाल है, जैसा कि आप लोगों ने कहा है कि चिराग पासवान जी का बयान आया है कि कुछ जातियों को शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स में जोड़ा जाए, मैं इस संबंध में यहाँ जब आपने सर्वे कराया वैसे ही सर्वे को गलत है, सर्वे को हम लोग सही नहीं मानते हैं। ये घर में बैठ के सचिवालय में बैठ के सर्वे कराया गया है और ख़ास करके हमारे जाति, जिस जाति से मैं आता हूँ पासवान समाज का, पासवान समाज के आज 10 वर्ष पहले से 7% की आबादी थी, उसको आपने घर बैठ करके 5.31% आबादी कर दिया। इसलिए कि पासवान समाज के लोग महागठबंधन को वोट नहीं देते, ठीक ना। फिर भी जो आपका सर्वे है, सर्वे के मुताबिक 20% तकरीबन दलित है और दोनों मिला के आदिवासी और शेड्यूल कास्ट मिला के 22%। हमारा बिहार सरकार से मांग है कि आप अपने सर्वे के मुताबिक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को आप आरक्षण मुहैया कराएं। आपके नहीं हो पाएगा आज इतना आगे नहीं। माँ दुर्गे का पूरे देश में, कहीं कहीं विदेशों में भी जो हमारे इंडियन लोग हैं वहाँ भी माँ दुर्गे की पूजा करते हैं और बहुत ही श्रद्धा निष्ठा से पूजा होती है। और मैं विगत तकरीबन 15-20 वर्षों से यहाँ डाक बंगला चौक पर आता हूँ और यहाँ के जो हेड हैं हमारे बड़े भाई टोनी जी, इनसे इनसे हम लोगों का पारिवारिक रिश्ता है शुरू से ही। आज से नहीं, जब से पासवान जी भी थे तब से लेके आज तक पारिवारिक रिश्ता रहा है। और इस माता के दरबार में हम लोग 20-25 वर्ष से आते हैं, ज़रूर आते हैं। विगत 2 वर्ष बीच में कोरोना के चलते पासवान जी की मृत्यु हुई थी, उसमें नहीं आए थे, लेकिन माता जी से मैंने कहा है कि पूरे देश और ख़ास के बिहार में सुख शांति अमन चैन कायम हो और उसके साथ ही साथ हमारा परिवार भी, हमारे परिवार को भी सुख शांति मिले। और सामने में लोकसभा का चुनाव है 2024 का, उसमें भी देश के मानचित्र पर पूरे लोगों की नज़र है, तो माँ दुर्गे से मैंने आशीर्वाद मांगा है कि इस बार 2024 के चुनाव में भी आप अधिक से अधिक हम लोगों को सफलता दीजिए। सवाल खास जातियों को सर अनुसूचित जाति जनजाति में शामिल करने की मांग की गई है, ये सवाल आपसे बनता है सर। किसने मांग की? पासवान ने मांग की है। मैंने तो न्यूज नहीं सुना है, जिन्हें चिराग पासवान ने टॉपिक यही रखी है आज कल जाति में और लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है
कि बिहार में जो सर्वे हुआ, जिसको आप लोग जनगणना कहते हैं, ये जनगणना नहीं है, जातीय सर्वे है। सर्वे के मुताबिक शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स की आबादी बिहार में वैसे घटा के किया गया है। मैं सर्वे को नहीं मानता, फिर भी बिहार सरकार के सर्वे के मुताबिक भी तकरीबन 22% आबादी है बिहार में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को। उसमें दलित कहिए, महादलित कहिए, ट्राइब्स कहिए, जो भी कहिए, तो हमारा बिहार सरकार से ये डिमांड है कि तुम आप आबादी के आधार पर जब आप जनगणना कराए हो, सर्वे कराए हो, तो जिस जात की जितनी आबादी है उसके आधार पर आप उस जात को आरक्षण दीजिए। कौन क्या बोलता है मैं नहीं जानता, वो राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर कोई बोला होगा। यदि दूसरे जाति को दलित करना है तो उतनी हमको उस आबादी के हिसाब से हमको आरक्षण में सुविधा दे। जैसे आज मान लीजिए कि हमारा 22% है, और दूसरे समाज के लोग यदि दलित बनाना चाहते हैं या आदिवासी बनाना चाहते हैं, तो उनकी जो संख्या है उस संख्या के आधार पर दलित और आदिवासी की संख्या बढ़ाई जाए, तब मैं मानूँ। चलिए, हो गया। इस खबर के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।